हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्टेशन की निगेबान तीसरी आंख आबू रोड रेलवे स्टेशन तीसरी आंख की निगेबानी में है। रेलवे प्रबंधन की ओर से स्टेशन के प्रवेश द्वार, यात्री प्रतीक्षालय, प्लेटफॉर्म 1 और 2, स्टेशन के मेन गेट समेत विभिन्न स्थानों पर लगाए गए 53 CCTV कैमरे से हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा रही है। CCTV कैमरे लगने के बाद स्टेशन परिसर में होने वाली अवांछनीय गतिविधि में कमी आई है। ये पूरा स्टेशन CCTV कैमरे की निगरानी में, इससे क्या फायदा है और किस तरह की सुरक्षा बढ़ी है? इससे चोरी पे अंकुश लगाए, कोई भी घटना होती है तुरंत प्रभाव से आदमी पहचान लिया जाता है CCTV कैमरा की निगरानी से। हाँ, रेलवे स्टेशन आबू रोड पे पहले कैमरे नहीं थे। कैमरे नहीं होने के कारण जो अपराधी जो चोरियां कर लेते थे, पकड़ में नहीं आते थे। ऐसी सुविधा जो मुलजिम को पकड़ना चाहते थे, जो पकड़ना है उसका चेहरा वगैरह नहीं आता था। अब कैमरे लगने के बाद बहुत अच्छी सुविधा हो गई है। कहीं भी कोई मुलजिम को पकड़ने में बहुत अच्छी सहयोग मिलता है, फोटो वगैरह जहाँ भी हो। परंतु कैमरे लगे हैं वो उस सही ढंग से नहीं लगे। जो मेन गेट से एंटर होते हैं जहाँ सही कैमरे नहीं लग रखे हैं। जो यात्री नंबर प्लेटफॉर्म 1 से 2 नंबर पर जाता है, सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, वहाँ कैमरे नहीं लग रखे हैं। और जो जनरल कोच है पीछे तरफ और आगे की तरफ, वहाँ कैमरे सही ढंग से नहीं लगे हुए, नहीं तो कोई दिखता है ना भी बात। ज़्यादातर वारदाता जनरल कोच के आगे पीछे होती है, तो वहाँ भी ये प्रॉब्लम है। बाकी तो ठीक है। तो लगने से स्टेशन पर यात्रियों के सामान और उनकी सुरक्षा और अच्छी दुरुस्त हो गई है। सभी PCR की निगरानी में रहते हैं। जब से CCTV कैमरे लगे हैं तब से किसी भी प्रकार की कोई घटना अभी तक सामने नहीं आई है, जो कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए बहुत अच्छी बात है। और अनाधिकृत रूप से जो काम प्लेटफॉर्म पर सुनने में आता था, वो भी CCTV कैमरा के लगने के बाद में बिल्कुल भी देखा नहीं गया है। आबू रोड से जागरूक TV की रिपोर्ट।